कटघर थाना अंतर्गत गुलाबबाड़ी में उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब दीपावली के दिन आतिशबाजी के शोरगुल में गुलाबबाड़ी निवासी सुषमा सक्सेना पत्नी स्वर्गीय हरिशंकर सक्सेना के घर में आग लग गई, जिसमें सुषमा सक्सेना अपने कमरे में सोई हुई थी और उनके बच्चे बाहर दीपावली की खुशियां मना रहे थे। सुषमा सक्सेना के परिवार में उनके दो बच्चे दीपावली का आनंद ले रहे थे। सुषमा सक्सेना जिस समय घर में सोई हुई थी, उनको अचानक दम घुटने का एहसास हुआ तो उन्होंने देखा कि उनका घर आग की लपटों में घिरा हुआ था। आग की लपटों से अपने आप को घिरा देखकर वे हतप्रभ रह गईं। देखते ही देखते उनके घर में रखा टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन एवं साथ ही साथ सभी सामान जलकर खाक हो गया। गनीमत रही कि कोई भी जनहानि नहीं हुई है। आग की लपटों की खबर पाकर लोग सुषमा सक्सेना के घर की ओर दौड़े और आग को काबू में पाने की नाकाम कोशिशें की। क्षेत्रीय लोगों द्वारा 100 डायल और फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई, मगर कोई भी मौके पर नहीं पहुंचा। सुबह 11 बजे तक क्षेत्रीय पुलिस भी मौके पर नहीं पहुंची, जिस कारण क्षेत्रीय लोगों के साथ साथ पीड़ित सुषमा के दिल में भी पुलिस की लापरवाही के प्रति रोष बढ़ता देखा गया। घंटों बाद मौके पर पहुंची पुलिस द्वारा आग लगने का कारण जाना गया और पीड़िता से घर में रखे सामान के नुकसान के बारे में पूछताछ की गई। इस बारे में पीड़ित सुषमा सक्सेना द्वारा बताया गया। मिनट को मेरी आँख लगी, मैंने सोचा मेरे बच्चे आएंगे, दवाई ना खाऊं। और 10 मिनट के अंदर आग लगी। जब तक हमने मोहल्ले में आवाज लगाई, जब तक वो लोग आए, जब तक हमारे सामान में बहुत तेजी से आग लगती थी। तो क्या क्या जला है इसमें? फ्रिज, टीवी, बर्तन और पैसे थोड़े रखे हुए थे, पैसे भी जल गए। पैसों का बहुत बड़ा दुख है मुझे कि मैंने अपने मकान के लिए रखे थे। कितने रुपए? 17,000 रुपए। तो लगभग सारा कितने का नुकसान हुआ होगा? लगभग बहुत पैसों का हो गया। कपड़े तो मेरे सारे पूरे परिवार के कपड़े, बिस्तर, रजाई, सब बच्चों को सब जल गए, कुछ नहीं बचा। आप देख भी रहे, सब खेल खिलौने, कुर्सी, मेज सब जल गए। अंदर बक्से में माता रानी की तस्वीर उतवीर बचा कुछ नहीं है। तो कल का ऐसा दिए भी ऐसे आग लगी है? नहीं, दिए हुए तो सब बंद थे, पता नहीं किस प्रकार लगी। बस मैं टीवी देखते देखते जरा सी आग बंद हुई, जब खोली तो मैंने धुएं धुआं देखा, तो ही मैंने बाहर चीख लगा दी कि पड़ोसी आ जाओ। जब सबको आवाज लगाई तब पड़ोसी ने आग बुझाई। तो सारा लगभग कितना नुकसान होगा? लगभग हमारा कम से कम 1.25 लाख का है नुकसान। कपड़े तो बहुत बहुत कीमती थे, अभी झाड़ू के निकाले, कुछ बच्चों ने खरीदारी करी थी दीपावली पे खरीदारी करी।